इंदौर में पहली बार केंद्रीय जेल में इमोशनल इंटेलिजेंस सेशन आयोजित किया गया। इसमें कैदियों ने अपने दिल की बात रखी और बताया कि कैसे भावनाओं में आकर उन्होंने अपराध कर दिए और अब उन्हें पछतावा हो रहा है। केंद्रीय जेल में गुरुवार को पहली बार आयोजित इस सेशन को रिलेशनशिप कोच और इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट विकास चौधरी ने लीड किया और कैदियों को जीने की नई राह दिखलाई। इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी के कारण भारत में हर साल लगभग 70-80% अपराध और पारिवारिक विवाद होते हैं। कैदियों ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया और अपराध कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है और वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने कहा कि यह सेशन कैदियों की भावनात्मक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण कौशल है जो कैदियों को अपनी सजा काटने के बाद समाज में पुनः समाहित होने में मदद कर सकता है। आज इंदौर सेंट्रल जेल में जो रिलेशनशिप कोच और इमोशनल इंटेलिजेंस पे विकास चौधरी जी के द्वारा यहाँ पे एक सेशन लिया गया और जिसमें उन्होंने बंदी जो पुरुष बंदी हैं और जो महिला बंदी हैं जेल की, उनके बीच में एक सेशन किया और उन्होंने ये चीज़ को समझाने का प्रयास किया और कि किस तरीके से जो हम अपने जब इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जब हमारे रिलेशंस एक दूसरे के साथ में जब मिसमैच होते हैं तो हमें क्या क्या उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलता है और हम किस सरल तरीके से अपने रिलेशंस को आपस में अच्छा मधुर बना सकते हैं, जो कि दया करुणा सद्भाव के आधार पर ही किया जा सकता है। छोटी छोटी सी उन्होंने क्रियाएं बताई हैं जिसके द्वारा जो है आप अपने आप को इस यूनिक, मैं तो कहती हूँ कि यूनिक जो है टेक्नोलॉजी है या एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह इसके जो है लेक्चर्स होने चाहिए, क्योंकि आज यदि हमें वर्क करना है तो हमें इमोशंस और रिलेशंस पर ही वर्क करना चाहिए। विकास चौधरी ने कहा कि इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ अपनी भावनाओं को काबू में करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, उनसे सीखना और उस समझ का उपयोग करके बेहतर निर्णय लेना है। उन्होंने कैदियों को आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, सहानुभूति और सामाजिक कौशल के महत्व के बारे में भी बताया। इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी के कारण भारत में हर साल 70-80% अपराध और पारिवारिक विवाद होते हैं। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करता हूँ, तो जो यहाँ जितने भी बंदी हैं उनको लेकर भावनात्मक परिपक्वता पर हमारा सेशन था। लोग कैसे हर्ट से, गिल्ट से, ग्रीफ से कोप अप करें, कैसे अपने सेंटिमेंट्स को संभालें, जो लोग डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, वो कैसे अपनी सिचुएशंस को बेहतर करें, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर था। बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा रिस्पांस था, सब बंदियों को भी बड़ा अच्छा लगा। हर बार का ऑडियंस अलग होता है, इस बार कैदी आपके सामने थे। मेरे लिए वाकई में ये नया अनुभव था, पर सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये कि कई बार एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पर उतनी शालीनता से लोग नहीं सुनते और रिस्पॉन्ड करते जितना अच्छा लोग सुन रहे थे। ये अद्वितीय एक्सपीरियंस रहा। आज हमने इन कैदियों से पूछा कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो जिस भी क्राइम की वजह से यहाँ है वो उसको करना नहीं चाहते थे, बस वो हीट ऑफ द मोमेंट में या उस टाइम पर कुछ समय ऐसा था कि उन्होंने कर दिया और वो समझ भी नहीं पाए कि उन्होंने ऐसे क्यों कर दिया। 60% से ज़्यादा लोगों ने हैंड रेज किया। यानी भावनात्मक परिपक्वता वो चीज़ है जो क्राइम को कम कर सकती है अगर दे दी जाए स्कूल कॉलेजेस में, ड्रग्स के केसेस कम कर सकती है, सुसाइड के केसेस कम कर सकती है, रेप केसेस कम कर सकती है और समाज के अंदर कई सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जिनमें भावनात्मक परिपक्वता हेल्प कर सकती है और उसको स्कूल या कॉलेज लेवल से ही मैंडेटरी करना चाहिए। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।